Hi guys, this is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog and good evening. Good evening इसलिए क्योंकि मैं ये vlog शुरू कर रही हूँ शाम के 5:45 बजने वाले हैं 5. It's 4:40 exactly and पूरे दिन में I was doing too many things, so मैंने आज vlog दिन में शुरू नहीं किया. अब मैं free थी, थोड़ा relax थी, तो I thought let me start the vlog. आई जस्ट हैड चाय. हमारा चाय नाश्ता अभी अभी ख़त्म हुआ है एंड आई रिसीव्ड एन इनवाइट फ्रॉम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस एंड फ्रॉम एक ऐसा चैनल रादर जिसका नाम लूँगी तो आई एम श्योर आप सबकी, इफ़ यू आर एन अ 90s किड, तो आप सबकी बचपन की यादें ताज़ा होंगी. एंड आई हैव रिसीव्ड एन इनवाइट फ्रॉम फैशन टीवी. आई रिमेंबर हमारे ज़माने में फैशन टीवी, अगर पता चलता था ना कि अच्छा ये फैशन टीवी देखता है, हाँ ये फैशन टीवी देखती है, मतलब इट यूज़ टू बी अ पाप. फैशन टीवी देखना एक पाप होता था और 24/7 उनके है ना ये रैंप वॉक्स चलते रहते थे मॉडल्स के एंड ऑल दैट, वो लाइव टेलीकास्ट भी होते थे एंड ऑल दैट. सो बेसिकली मुझे इनवाइट क्या आया है और क्यों आया है मैं बताती हूँ. सो फैशन टीवी इज़ लॉन्चिंग देयर फर्स्ट सलोन इन चेन्नई एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो यू नो ऑनर्ड एंड आई फील सो गुड कि मुझे इनवाइट आया है एक पीआर की तरफ से कि द लॉन्च इज़ हैपनिंग टुमारो, दैट इज़ ऑन द 23rd. ये एक्चुअली इनवाइट मुझे आ गया था कल, लेकिन तब मैं वेलोना में थी. मैं जब वेलोना में थी तब मेरे को पीआर का कॉल आया कि मैम आपके घर पे इनवाइट डिलीवर करने आ रहे हैं, विल यू बी देयर टू एक्सेप्ट इट. मैंने कहा मैं तो नहीं होंगी बट माई फैमिली इज़ देयर टू रिसीव इट, सो प्लीज़ आप भेज दीजिए. So they have sent me a box and an invite with a gift voucher. So all those of you who are watching me from Chennai, guys, this is launching, this is opening in Nungambakkam at the Sterling Road. और कल मुझे जाना है, दैट इज 23rd ऑफ फेब्रुवरी इज द लॉन्च एंड आई विल शो यू द इनवाइट. सो दिस इज द चॉकलेट बॉक्स दैट आई हैव रिसीव्ड. बड़ा ही प्यारा सा बॉक्स है ये. और हाँ, इस पे फैशन टीवी सलोन का स्टिकर है जो उतार के मैं इसको एज एन ऑर्गेनाइजर रख लूँगी, बट मैं ये उतारूँगी नहीं बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस एज अ मेमरी कि हाँ मुझे ये इनवाइट आया था. और क्योंकि गाइज कभी नहीं सोचा था बचपन में, जब फैशन टीवी वगैरह यू नो वो चैनल्स तब चलते थे, हम तो खैर नहीं देखते थे बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली और हम तो नहीं देखते थे, बट कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे फैशन टीवी की तरफ से एक सलोन लॉन्च में इनवाइट मिलेगा. कभी नहीं सोचा था. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, व्हिच इज़ व्हाई आई डोंट वांट टू थ्रो अवे दिस स्टिकर. आई विल कीप दिस एज अ मेमोरी एंड विद द बॉक्स, एंड बॉक्स को एज एन ऑर्गेनाइजर मैं यूज़ कर लूँगी. और ये है इनवाइट, ये है हमारा गिफ्ट वाउचर जो हमको दिया गया है. And it is grand opening in the presence of Mr. Kashif Khan, who is the MD of Fashion TV. और ये है जैसा कि मैंने आपको बताया, it's in Nungambakkam, Sterling Road. और yeah, this is the basic invite. और ये है event flow, that is event starts at 5 PM, ribbon cutting, interview bites and media selfies etc. फिर candle lighting and then cake cutting followed by a photo shoot. So जो media photo shoot होता है and all that वो होगा. Same जो चीज़ें कल वेलोना में मैंने आपको दिखाई थी, एक sneak peek दिया था, same thing, media bites होंगे और photo shoots होंगे, वही सब होता है. हर launch में यही सब होता है, plus snacks वगैरह in case अगर है तो. Some give, some don't and some just give it as a takeaway कि आप ले जाओ and then you can eat. और सो रिफ्रेशमेंट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट टू इवेंट. सो ये है इनवाइट और अब दिक्कत ये हो गई है कि आई डोंट नो व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर टुमारो. आई रियली डोंट नो व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर. ये जो ड्रेस कल मैंने पहनी थी, आई कुड हैव वोन दैट बट आई हैव ऑलरेडी वोन इट सो मेनी टाइम्स कि मैं वापस इस इवेंट पे रिपीट करना नहीं चाहती. And I think I will get ready and go either to West Side or maybe to Express Avenue and get myself something, either a top or maybe a dress which I can wear tomorrow. Not just tomorrow, आगे भी काम आएगी of course.
सो देखती हूँ व्हाट आई डू, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन दैट। खाने पीने की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि आज मैंने शाम तक का खाना बना के रख दिया है। सो मुझे ये टेंशन नहीं है कि हाई मुझे खाना बनाना है, जल्दी जाना है या फिर बना के निकलना है एंड ऑल दैट, बिकॉज द फूड इज़ रेडी। सो बस आई एम जस्ट वेटिंग कि विपुल फ्री हो जाए। विपुल के फ्री होते ही आई विल चेंज एंड आई विल लीव। सो जो भी है गाइज, आई विल कीप गिविंग यू अपडेट एंड देखती हूँ। फिलहाल तो मैं पीआर को अपना कंफर्मेशन देती हूँ कि आई पुट द स्टोरीज एंड आई विल बी देयर टुमारो। तो मैं निकल चुकी हूँ गाइज एंड 6 बजने वाली है, 6 बज चुकी है ऑलमोस्ट। मैं अपना खाना साथ ही ले आई एंड आई थॉट अभी मैं खा ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर मैं खा नहीं पाऊँगी, तो अभी ऑन द वे खा लूँगी, आराम से अपना काम ख़त्म कर पाऊँगी एंड देन विल गेट बैक होम सून। विपुल, वो हैमली से भी मुझे जवाब आ गया था। हाय गाइस, सो ऑन द वे में विपुल को काम था एक, एक्चुअली वो ज़्यादा ज़रूरी था करना देन माय शॉपिंग। सो विपुल का काम निपटाने आए हैं, वो निपटाने के बाद फिर हम मॉल जाएंगे। मेरा डिनर तो हो चुका है, आई एम सेइंग लंच हो चुका है, मेरा डिनर हो चुका है। विपुल सेड वो पार्किंग लॉट में कर लेंगे फटाफट एंड देन वी विल गो अप इन द मॉल फॉर शॉपिंग। तो पहुंच गए हम लोग एक्सप्रेस एवेन्यू गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर एंड देखते हैं क्या मिलता है, कुछ मिलता भी है या नहीं। अगर कुछ नहीं मिलता है देन जो है उसमें से ही कुछ पहनना पड़ेगा, मिल जाता है तो वेल एंड गुड। देखते हैं अंदर जाके। गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं एंड दैट वाज सुपर सुपर क्विक शॉपिंग एक्सपीरियंस, है ना विपुल? सुपर क्विक हम बस गए। हमने पहले सोचा H&M जाएं, देन आई थॉट लाइफस्टाइल में रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। सो लाइफस्टाइल गए, वहां से फटाफट देखा, उठाया, ट्राई किया, उठाया और निकल गए, दैट्स इट। नो इधर उधर का ताका झाकी, नो टाइम वेस्ट, नथिंग, फटाफट से निकल गए, दैट वाज सुपर सुपर क्विक बस। और यहीं पे मैंने अपनी रील भी डाल दी थी एंड लकीली मेरी रील चल भी गई। विद इन फ्यू मिनट्स आई गॉट सम 33K व्यूज विच इज़ वेरी गुड। सो या अब हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो बस घर जाके मिलते हैं आपसे। I am having softy ice cream after so long. कितना टाइम बाद विपुल? One and a half years. ज़्यादा ही. I think first lockdown में. So there is this place called Free Zone, जो कि हुआ करती थी CP Ramaswamy Road पे. CP Ramaswamy Road पे. I mean that's quite close to my house. वहीं पे मैं softy ice cream खाती थी और सिर्फ vanilla flavor की खाती थी. वो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद वो शॉप बंद हो गई, वो आइसक्रीम पार्लर बंद हो गया था और उसके बाद मैंने सॉफ्टी खाई ही नहीं एंड सडनली वी रियलाइज अभी मॉल से घर जाते समय कि वो यहाँ खुल गया, कहीं और लोकेशन चेंज हो गई है उनकी। पहले तो हम डाउटफुल वे में हम अंदर गए, हमने उनसे पूछा इज इट द सेम फ्री जोन, दे सेड या इट्स द सेम। तो हमने लेके खाई है एंड आई थिंक आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन मैं शायद आज सॉफ्टी आइसक्रीम खा रही हूँ। I've never had this after that, क्योंकि मुझे सिर्फ इस शॉप की पसंद है और बहुत रीजनेबल रेट में मिलती है एंड आई लव इट। हे गाइस, सो घर आने के बाद बच्चों से थोड़ी गपशप की और बच्चों को दिखाई ड्रेस जो मैं लेके आई हूँ, दे ऑल्सो लाइक्ड इट। और उसके बाद बस आई थॉट आई विल कम एंड एंड दिस व्लॉग। ऑल्सो आई विल स्टार्ट एडिटिंग इट अभी, बिकॉज अभी टाइमली एडिट करके आई विल अपलोड इट एंड सेव इट एज अ ड्राफ्ट,
ताकि कल मैं अपलोड कर पाऊँ टाइमली, क्योंकि कल मेरा बहुत बिजी डे होने वाला है, अपने डेली चोज निपटाने हैं, इंस्टा के लिए पोस्ट इंस्टा के लिए पोस्ट भी शूट करनी है, आई मीन रील शूट करनी है, रेसिपी शूट, एंड देन इवेंट में जाना है. सो और इवेंट में जाने से पहले शाम के खाने की तैयारी करनी है. बहुत बिजी डे होने वाला है कल मेरा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प. आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट, एंड इफ सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. मैडन लैडल इज माई अकाउंट. सो सी यू टुमारो ऑन अ न्यू डे विद अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग विच इज गोइंग टू बी ऑन Fashion TV's first salon in Chennai. So stay tuned for that video, and see you tomorrow. Until then, take care. Bye-bye.